Vayam Prabha, Digital India, Educated India. मैं डॉक्टर मयंक प्रताप सहायक प्राध्यापक विधि विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से मेरे पाठ्यक्रम का शीर्षक है माल विक्रय अधिनियम आज के व्याख्यान में हम लोग कार्य की संविदा तथा औक्रय करार को देखेंगे साथ ही साथ विक्रय की संविदा और कार्य की संविधा तथा औक्रय करार के अंतर को समझेंगे इसके पहले पूर्ववर्ती व्याख्यानों में जो इस सेशन का द्वितीय व्याख्यान था इसमें हमने विक्रय की संविदा इसके आवश्यक तत्व इसकी औपचारिकता तथा विक्रय और विक्रय के करार के मध्य अंतर को देखा था विक्रय की संविधा में विक्रय और विक्रय करार क्या है ये अधिनियम की धारा चार से स्पष्ट होती है पूर्ववर्ती व्याख्यान में हमने देखा कि माल विक्रय अधिनियम की धारा चार में धारा चार की उपधारा एक स्पष्ट करती है कि किसको हम विक्रय की संविधा कहेंगे और दो बातें जो उसमें निश्चित रूप से निकल करके आती हैं कि विक्रय की संविदा के अंतर्गत एक तो विक्रय होता है और दूसरा विक्रय का करार होता है इस प्रकार धारा चार की उपधारा एक और उपधारा तीन को अगर हम लोग एक साथ देखते हैं तो हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि विक्रय की संविदा के निर्माण में विक्रय और विक्रय का करार दोनों ही तत्व तो शामिल होते हैं लेकिन दोनों ही एक दूसरे से पृथक हैं धारा चार की उपधारा तीन में दोनों ही शब्दों को अलग अलग परिभाषित किया गया है लेकिन दोनों ही परिभाषाओं को धारा चार की उपधारा एक के साथ में दिखाया गया है जैसे अगर आप धारा चार की उपधारा तीन को देखते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था है कि माल की विक्रय अधिनियम में जब क्रेता को विक्रेता द्वारा माल में की संपत्ति का अंतरण किसी कीमत के बदले कर दिया जाता है तो वो संविदा कहलाती है लेकिन जबकि माल के ली संपत्ति में अंतरण मात्र कीमत के बदले करने का करार किया जाता है तो उसे विक्रय का करार कहते हैं इस प्रकार धारा चार से जो दो बातें निकल करके आती हैं वह विक्रय की संविदा में विक्रय और करार दोनों ही तत्व शामिल हैं तथा विक्रय के पूरा होने में माल में की संपत्ति का स्थानांतरण आवश्यक है आज के इस व्याख्यान का जो प्रमुख उद्देश्य है कि इस व्याख्यान में हम कार्य की संविदा और अव्रय करार को समझेंगे तथा यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि एक विक्रय की संविदा किसी कार्य की संविदा और अक्रय करार से किस प्रकार भिन्न होती है इसके साथ ही साथ कुछ अन्य प्रकार के करार या संविदाए होते हैं जो देखने में विक्रय की संविदा के, के सदृश होते हैं लेकिन वास्तव में विक्रय का उनसे अंतर का स्थापत्य करना आवश्यक होता है जैसे कार्य की संविदा और अवक्रय करार की संविदा यह दोनों ही संविदाएं देखने में सामान्य रूप से विक्रय की संविधा के सदृश होती हैं लेकिन दोनों ही संविधाएं पृथक पृथक हैं और दोनों ही संविधाएं विक्रय की संविधा से अलग होती हैं आज के व्याख्यान को अगर हम प्रस्तावना देखें तो आप परिचय के स्वरूप कह सकते हैं कि कार्य की संविधा एक ऐसी संविधा होती है जहाँ माल के हस्तांतरण के पहले उस पर कुछ कार्य किया जाना होता है कई बार संविदा में विक्रय के दौरान ऐसी संविदाएं देखने को मिलती है जो प्रथम दृष्टता ऐसा लगता है कि यह पूर्ण रूप से विक्रय है अर्थात विक्रय के सदृश संविदाएं लेकिन ऐसे में हमें यह समझना आवश्यक है कि हम इन दो संविदाओं को या ऐसी संविदाओं को जो देखने में संविदा में विक्रय की संविदा के सदृश हैं उनसे हम उनका विभेद कर सकें और विभेद को अंतर को पहचान सकें दूसरी तरफ जैसे विक्रय करार है विक्रय करार भी एक प्रकार से औक्रय करार की भांति प्रचलित विधि में है यद्यप कि यह विशेष विधायन से बनी हुई है और अव्रय करार एक अलग विधायन से विनियमित होता है यद्यप कि यह विधायन अब नहीं है लेकिन फिर भी दोनों प्रकार की संविधाओं में कुछ समानता प्रतीत होती है ऐसे में इन दोनों के बीच के भी अंतर को समझना आवश्यक हो जाता है इसलिए प्रारंभिक तौर से हमने विक्रय की परिभाषा को तो देख लिया लेकिन विक्रय के सदृश परिभाषाओं में कार्य की संविदा तथा औक्रय करार की संविदाओं को यहाँ देखेंगे और इन दोनों के मध्य तथा विक्रय की संविदाओं के साथ इन दोनों के मध्य के अंतर को समझने की कोशिश करेंगे यह भी आवश्यक है कि हम विक्रय के साथ अन्य करारों को भी भेद करने का या समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले हम कार्य की संविदा की ओर चलते हैं कार्य की संविदा वास्तव में एक, एक ऐसी संविदा है जिसका अर्थ होता है कि किसी भी कार्य में जो सामग्री प्रयुक्त हो रही है उनकी आपूर्ति के अलावा अनुबंध को पूरा करने में यदि कौशल एवं श्रम का प्रयोग किया गया हो क्योंकि सामान्य रूप से जो विक्रय की संविदा होती है उसमें कीमत के बदले माल में की संपत्ति का अंतरण होता है धारा चार की उपधारा एक में यह स्पष्ट है तथा धारा चार की उपधारा तीन से भी यह स्पष्ट है कि जब विक्रेता द्वारा क्रेता को माल में की संपत्ति का अंतरण होता है और क्रेता द्वारा प्रतिफल के फलस्वरूप कुछ कीमत की अदायगी की जाती है तो हम इसको विक्रय कहते हैं और जबकि यह करार तक सीमित होता है तो इसे विक्रय का करार कहते हैं लेकिन इसमें सार्वभतिक तत्व तो तो यह देखना है कि क्या माल में की संपत्ति का अंतरण कीमत के बदले संपत्ति का संपत्ति के रूप में ही हो गया या माल में की ऐसी संपत्ति को स्थानांतरण के पहले उस पर कुछ श्रम किया गया या उस पर कुछ कार्य किया गया या उस पर कुछ कौशल का प्रयोग किया गया क्योंकि जो कार्य की संविधा है इसका सारभूत अंग ही यही है कि जब माल में की संपत्ति को अंतरण करने से पहले उस संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कार्य कौशल या श्रम का किया जाना हो एक इसको छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं जैसे एक चित्र बनाने की संविधा होती है अर्थात फर्ज कीजिए कि आप किसी ऐसे दुकान में या किसी ऐसे चित्रकार के पास जाते हैं जिसके पास पहले से मौजूद बहुत सारे चित्र हो आपने एक दुकान में या उस चित्रकार के शोरूम में देखा कि बहुत सारे महापुरुषों की देवी देवताओं की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां या विभिन्न प्रकार के चित्र या चित्र वहां टंगे हुए हैं या लगे हुए हैं आपने कीमत के बदले किसी पसंदीदा महापुरुष की फ़ोटो को खरीदने का प्रस्ताव रखा और दुकानदार द्वारा आपसे कीमत लेकर के दुकान या शोरूम में रखी किसी मूर्ति या किसी चित्र या किसी कैलेंडर को आपको दे दिया गया ऐसे में इस संविदा या इस अनुबंध में आप क्या देखते हैं कि आप क्रेता हैं और क्रेता के बदले आपको संपत्ति तो अंतरण कर दिया गया लेकिन जब इसी दुकानदार या इसी चित्रकार के पास आप पहुंचे और आपने कहा कि आपको आपके चित्र के साथ साथ अपना खुद का एक चित्र बनवाना है अर्थात आपने अब जो प्रस्ताव रखा वह दुकान या शोरूम में लगे किसी कैलेंडर या चित्र को लेने की बजाय स्वयं अपने स्केच बनवाने या अपने चित्र को बनवाने का प्रस्ताव दिया अब ऐसे में वह जो चित्रकार है अब सामान्य रूप से दुकान या शोरूम में मौजूद किसी चित्र को आपको नहीं देगा यद्यप कि वह उसमें कागज का प्रयोग करेगा बस का प्रयोग करेगा ब्रश के साथ उसमें कुछ पेंट हो सकते हैं कुछ अन्य सामग्री हो सकती है वो सभी सामग्री मूल रूप से ऐसी ही सामग्री होंगी जो उस कैलेंडर या आपने जो पूर्ववर्ती के समय में जो कैलेंडर या चित्र खरीदा होगा उसमें प्रयोग की जाएंगे लेकिन अंतर क्या है कि ऐसे में जो चित्र आपको दिया जाएगा उस चित्र पर उस चित्रकार ने अपने श्रम कौशल और कार्य का प्रयोग किया है उसने आपका एक चित्रण किया आपका एक स्केच बनाया उसके बाद आपको उस माल या संपत्ति को आपको आपूर्ति की अर्थात अब इस उदाहरण में आप एक जो महत्वपूर्ण अंतर देखते हैं कि पहली घटना में आप दुकानदार के पास जाते हैं और एक चित्रकार से उसके शोरूम या चित्रकार के जो दुकान है उसमें लगे कैलेंडर या उसमें लगे मौजूदा चित्र में से किसी चित्र को खरीदने का प्रस्ताव रखते हैं वहाँ पर विक्रेता द्वारा क्रेता को माल में की संपत्ति का कीमत के बदले तुरंत अंतरण कर दिया जाता है यानी चित्र या संपत्ति या माल जिस रूप में मौजूद था उसी रूप में आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है लेकिन दूसरी घटना में आप देखते हैं कि जब आप यह प्रस्ताव देते हैं कि यह चित्र आपका हो और आपके स्केच को बनाया जाए तब दुकान द्वारा जो मौजूदा चित्र है उसको आपको आपूर्ति करने के बजाय उसने उसके साथ ही कुछ ऐसे चार्ट पेपर या कागज का प्रयोग किया जो कोरा था और उस पर आपका चित्र या आपका चित्रण किया गया और जब क्रेता के लिए क्रेता के कथन या क्रेता के प्रस्ताव पर कुछ विशेष कार्य करके चित्रण करके माल की आपूर्ति की जाती है भले ही बदले में कीमत का अंतरण होता है तब ऐसे में यहाँ पर कार्य या श्रम या कौशल का प्रयोग हुआ इसलिए ऐसी संविदाओं को हम कार्य की संविदा या श्रम एवं कौशल की संविदा कहते हैं अर्थात यह है एक ऐसा अनुबंध होता है जो माल के विक्रय के अनुबंध से अलग होता है क्योंकि जो विक्रय का अनुबंध होता है या माल के विक्रय का अनुबंध होता है उसमें बेचा जाने वाला उत्पाद मुख्य होता है यानी कि जो मुख्य अंतर आपको देखने को मिलेगा कि जब संपत्ति में माल में की संपत्ति का अंतरण विक्रेता द्वारा क्रेता को कीमत के बदले उसी माल को मात्र हस्तांतरण कर देने मात्र से हो जाता है तो यह विक्रय का जो स्वरूप है वह उत्पन्न करता है लेकिन जब उस वस्तु पर किसी प्रकार का श्रम या कौशल का प्रयोग किया जाता है तो यह मात्र विक्रय न होकर के कार्य की संविधा कहलाती है न्यायालयों ने बहुत सारे उदाहरणों में या बहुत सारी घटनाओं में इसको न्यायिक निर्णयों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है एक प्रमुख निर्णय हम लोग ली बनाम ग्रेफिन का एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं ली बनाम ग्रेफिन के बाद में नकली दांत बनाने की एक संविदा की गई थी इसमें एक दांत साज ने स्त्री के मुख से नकली दांत लगाने की संविदा की और यह अनुबंध हुआ कि डॉक्टर से उस दंत चिकित्सक से महिला ने कहा कि मेरे लिए मेरे मुंह में जो फिट हो जाए ऐसा कोई नकली दांतों का सेट बनाकर दिया जाए यह कार्य अभी पूरा हो ही पाता उसके पहले ही उस महिला की उस स्त्री की मृत्यु हो गई और डॉक्टर द्वारा अपने कार्य के मूल्य के लिए प्राप्त करने के लिए एक वाद लाया गया डॉक्टर का कहना था कि उसने चूंकि उस स्त्री के लिए स्पेसिफिक या विनिर्दिष्ट तौर पर उस दांत के सेट का निर्माण किया है और नकली दांत के सेट के निर्माण में जो अनुबंध आधारित मूल्य था उसका भुगतान होना ही चाहिए क्योंकि यह दांत को बेचने की संविधा थी न्यायालय ने इसको दांत को बेचने की संविदा माना और न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी संविदा में हमें उस संविदा का अंत देखना चाहिए यदि किसी संविदा का अंत या परिणाम इस प्रकार है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को मूल्य के बदले कोई प्रति प्राप्त होगी अर्थात जब विक्रेता द्वारा कोई वस्तु स्थानांतरित की जाएगी और माल में की संपत्ति का अंतरण होगा और क्रेता द्वारा उसके लिए कीमत दी जाएगी तब यह पूर्ण रूप से विक्रय की संविधा कहलाएगी परंतु नकली दांत बनाने की संविधा में हम समझ सकते हैं कि एक विशेष प्रकार का श्रम या कौशल लगा होगा मात्र इसलिए कि अंतिम परिणाम के फलस्वरूप माल की आपूर्ति कीमत के बदली कर दी गई थी तो यह बहुत उचित नहीं लगता कि हम इसे मात्र विक्रय की संविधा माने क्योंकि एक दंत चिकित्सक द्वारा यदि किसी नकली दांत का सेट बनाया जा रहा है तो निश्चित रूप से वह उसके श्रम और कौशल का परिणाम है इसीलिए इस निर्णय की बहुत आलोचना हुई और अंततः रॉबिन्सन बनाम ग्रेव्स के बाद में पुनः न्यायालय ने कोर्ट ऑफ अपील में इस सिद्धांत को स्वीकार करने से मना कर दिया और जो अभी तक हमारे पास वस्तु के अंत का परिणाम या परिणामिक स्वरूप में क्या निर्णय होता है इसको देख करके वस्तु को उसकी संविधाओं को कार्य की संविधा या विक्रय की संविधा में पहचानने का जो सिद्धांत था इसको नकारते हुए रॉबिन्सन बनाम ग्रेव्स के बाद में कोर्ट ऑफ अपील ने पुनः इस सिद्धांत की परिकल्पना की इसके वाद को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो प्रतिवादी है उसने एक चित्रकार को एक स्त्री का चित्र बनाने के लिए कहा चित्र अभी अधूरा ही था कि प्रतिवादी ने चित्रकार को उसको पूरा करने से मना कर दिया और चित्रकार द्वारा जब वाद लाया गया तो यह निर्णय होना था कि क्या यह चित्रकार द्वारा लाए गए वाद विक्रय के भंग के लिए वाद है या मात्र कार्य की संविदा थी अर्थात चित्र विक्रय की नहीं बल्कि चित्र बनाने की संविदा थी तो न्यायालय ने पुराने निर्णय को अमान्य करते हुए यह प्रतिपादित किया कि यह एक ऐसी संविधा है जिसमें चित्रकार द्वारा अपने श्रम एवं कौशल का प्रयोग किया जाना है इसलिए इसमें चित्रकार को अनुबंधित मूल्य प्राप्त होना ही चाहिए न्यायालय ने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा कि जब भी हमें संविधाओं की जांच करनी हो आप पुराने निर्णय को देखें उसमें जो संविधाओं की जांच करने का जो तरीका दिया गया था उसमें न्यायालय ने कहा था कि किसी भी संविधा के अंत को या परिणाम को हम देखेंगे और यह निर्धारित करेंगे कि यह कार्य की संविदा है या विक्रय की संविदा। परंतु रॉबिन्सन बनाम ग्रेप्स के बाद में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब भी ऐसी संविदाओं की जांच करनी हो तो हमें यह देखना चाहिए कि किस सीमा तक कार्य है अर्थात यदि कार्य किया भी गया है तो उस कार्य करने का उद्देश्य क्या है क्या माल की आपूर्ति बिना कार्य के भी संभव थी या माल की आपूर्ति को करने के लिए कोई कार्य किया गया है अथवा दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि माल की आपूर्ति तब तक संभव नहीं थी जब तक उस पर कोई कार्य नहीं किया जाता यानी कि मूल रूप से हमें देखना होगा कि किस सीमा तक कोई कार्य किया गया है या सेवा संविधाओं का सार है जैसे सोने चांदी संगमरमर मिट्टी ऐसी सभी प्रकार की या विभिन्न प्रकार की जो कलात्मक कार्य करने की संविधाएं होती है जिसमें श्रम लगता है मेहनत लगती है गुणवत्ता होती है उसमें माल की कीमत इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर जब तक श्रम और कौशल का प्रयोग नहीं किया जाएगा ऐसी कलाकृतियों का या ऐसे जेम्स का या ऐसे सोने चांदी संगमरमर का कोई भी प्रयोग नहीं होगा जिस रूप में प्रयोग करना क्रेता चाहता है इसलिए ऐसी संविधाओं के अंतर्गत प्रतिफल को कला तथा मेहनत का इनाम समझकर प्राप्त किया जा सकता है इसी बात में जस्टिस एल ग्रीथर ने इसको तकनीकी शब्द में और परिभाषित करने की कोशिश किया और एक विधिकथन के रूप में कहा कि यदि संविदाओं का तत्व तो यह हो कि वस्तु के उत्पादन के लिए कौशल तथा श्रम लगेगा और केवल एक अनुसांगिक कार्य के रूप में कलाकार की ओर से या उसके ग्राहक को कौशल के साथ कुछ पदार्थ भी मिलेगा तो इसके परिणाम से कोई अंतर नहीं आता कि संविदाओं का सार कलाकार द्वारा चित्र बनाने के लिए उसके कौशल और अनुभव का उपयोग है उदाहरण के लिए अभी हम जिस उदाहरण को समझ रहे हैं फर्ज कीजिए कि चित्रकार ने किसी विक्रेता या जिसको श्रम और कौशल का प्रयोग करके जिसका चित्र बनाना है उसके चित्र को बनाने के लिए उसने कुछ कागज की सप्लाई की कार्डबोर्ड की सप्लाई की साथ ही साथ पेंसिल स्केच और अन्य प्रकार की स्टेशनरी होती है जो वास्तव में स्पष्ट रूप से चल संपत्ति या माल के शब्द के दायरे में आती है और जिसको कीमत के बदले त्वरित अंतरण किया जा सकता है लेकिन ऐसे में हमें यह देखना होगा कि क्या किसी ब्रश पेंट कागज या कार्डबोर्ड की सप्लाई या आपूर्ति करना ही मुख्य उद्देश्य था लेकिन आप इसमें सार तत्व के रूप में देखते हैं कि चूंकि चित्रण किया जाना है और चित्रकार द्वारा स्केच या चित्र बनाया जाना है तो निश्चित ही ऐसे चित्र को बनाने में उसके पास कार्डबोर्ड कलर पेंसिल पेंट इत्यादि की आवश्यकता होगी जिसका खर्च उस चित्रकार के द्वारा न वहन करके बल्कि क्रेता के द्वारा किया जाएगा इसलिए चित्रकार द्वारा विक्रेता के पत्ते या विक्रेता की तरह कार्य करते हुए इन चीज़ों की आपूर्ति करनी ही होगी लेकिन सारभूत रूप से आप देखेंगे तो यह आवश्यक चीज़ें थीं क्योंकि इनकी आपूर्ति के बिना या इनके खर्चों को पाए हुए बिना चित्रकार द्वारा चित्र नहीं बनाया जा सकता था इसीलिए जस्टिस ग्रीथर का जो सार तत्व है यह महत्वपूर्ण हो जाता है जिसमें उन्होंने यह कहा कि वस्तु के उत्पादन के लिए कौशल तथा श्रम अगर लगना है तो केवल इसलिए कि आनुषांगिक कार्य के रूप में उसमें किसी माल की आपूर्ति हुई हो यह इस पर फर्क या अंतर नहीं डाल सकती कि यह संविदा कार्य की संविदा ना होकर के विक्रय की संविदा हो जाए इस प्रकार निश्चित रूप से यदि किसी चित्रकार द्वारा कोई चित्र बनाया जाता है तो विक्रय की संविदा ना होकर के कार्य की संविदा के रूप में परिभाषित की जानी चाहिए कार्य की संविधाओं को समझने के लिए हम कुछ और उदाहरण देख सकते हैं जैसे दो छोटे छोटे उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं हमारे पास अगर प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर में एयर कंडीशन या वातानुकूलित यंत्र लगवाना चाहता है तो इस प्रकार यदि कोई संविदा हुई जिसमें विक्रेता द्वारा एयर कंडीशन को सप्लाई किया जाना है और उस सप्लायर द्वारा किसी व्यक्ति अथवा क्रेता के घर में उसका इंस्टॉलेशन भी किया जाना है तो प्रश्न होगा कि क्या किसी विक्रेता द्वारा क्रेता के घर में या उसके प्रिमाइसिस के अंदर एयर कंडीशन या वातानुकूलित यंत्र का लगाया जाना विक्रय की संविधा मानी जाए अथवा कार्य की संविधा मानी जाए इसी तरह कुछ और छोटे छोटे प्रश्न हो सकते हैं जैसे जिराक्स मशीन से फोटो निकालना जिराक्स मशीन से फोटो कापी निकालने के लिए फर्ज कीजिए कि जिसको फोटो चाहिए उसने यदि कुछ कागज़ दिए या फोटोकॉपी के लिए कागज की आपूर्ति की गई तब ऐसे में कागज की आपूर्ति मात्र कर दिए जाने से क्या यह विक्रय की संविधा होगी या हम ये मान लें कि यह कार्य की संविधा होगी? इन दोनों ही उदाहरण को समझने के लिए हमें सेंटिनल रोलर सटर बनाम इंजीनियरिंग कंपनी के वाद को देखना होगा जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह प्रश्न था कि क्या किसी परिसर विशेष में रोलिंग सटर लगाने के लिए और उसकी आपूर्ति करने का कार्य संविदा माल की विक्रय की संविदा है या किसी कार्य की संविदा है न्यायालय ने इसमें दो महत्वपूर्ण बातें कही पहला न्यायालय ने कहा कि हमें यह देखना होगा कि क्या किसी कार्य के निष्पादन में मूल्य के बदले कोई वस्तु की आपूर्ति की गई है और जो वस्तु की आपूर्ति की गई है अगर यह सिर्फ आनुसांगिक आपूर्ति है तो यह कार्य की संविदा होगी लेकिन जबकि उद्देश्य निश्चित है कि कीमत के बदले वस्तु को देना जहां पर कुछ कार्य किया जाना है जो सिर्फ इसलिए किया जाना है क्योंकि वह आनुसांगिक है तो ऐसे में ऐसी संविदा विक्रय की होगी और हमने जो दो उदाहरण दिया था इन्हीं दोनों उदाहरण को न्यायालय ने इसमें स्पष्ट रूप से एयर कंडीशन या वातानुकूलित यंत्र के लगाने के उदाहरण को देते हुए कहा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी दुकानदार या विक्रेता से कोई वातानुकूलित यंत्र खरीदा या वातानुकूलित यंत्र खरीदा और उसको अपने घर में इंस्टॉलेशन कराना है तो उसका उद्देश्य क्या होगा निश्चित रूप से उस व्यक्ति का जो उद्देश्य है वह सबसे पहले एयर कंडीशन या वातानुकूलित यंत्र को खरीदना है और जो दुकानदार या विक्रेता ऐसे वातानुकूलित यंत्र को बेचता है उसका प्रमुख कार्य क्या है कि वह कीमत के बदले माल का अंतरण अर्थात वातानुकूलित यंत्र का अंतरण उस क्रेता को कर देगा ऐसा कतई आवश्यक नहीं है या ना ही कोई विधिक दायित्व तो है कि विक्रेता द्वारा क्रेता के घर में या प्रेमाइसिस में उस एयर कंडीशन या वातानुकूलित यंत्र को लगाया जाएगा क्योंकि प्रचलित विधि में कंपनियां अपने प्रचार के लिए कई बार ऐसी स्कीम देती हैं कि जिसमें एयर कंडीशन को खरीदे जाने पर एयर कंडीशन का लगाया जाना साथ में एक मुफ्त या निःशुल्क एक स्कीम होता है जिसके तहत कंपनियों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्कीम और ऑफर या प्रमोशन की दृष्टि से आपसे कहा जाता है कि जब भी आप एयर कंडीशन या वातानुकूलित यंत्र खरीदेंगे तो इसका इंस्टॉलेशन या सर्विसेज फ्री होंगी तो ऐसी स्कीमों के तहत या बाजार में बढ़ती जो बाजारवाद की अवधारणा है उसके मद्देनज़र बहुत सारी ब्रांड और बहुत सारी कंपनियां ऐसी स्कीम लेकर के आती हैं परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इसका प्रमुख उद्देश्य आपके घर में एयर कंडीशन को लगाना है बल्कि प्रमुख उद्देश्य उनको अपना वातानुकूलित यंत्र या एयर कंडीशन क्रेता को बेचना है और आप अर्थात क्रेता का जो प्रमुख उद्देश्य है कि कीमत के बदले माल में की संपत्ति का अंतरण अपने लिए करना अर्थात कीमत को चुका करके एयर कंडीशन को ले आना जब भी आप कीमत को चुका करके विक्रेता से कोई एयर कंडीशन या वातानुकूलित यंत्र घर पे लेकर के आते हैं तो यह कोई विधिक बाध्यता या आवश्यकता नहीं है कि विक्रेता ही आकर के उस यंत्र को या संयंत्र को आपके घर में या प्रेमाइसिस में लगाए आप चाहें तो इस स्कीम को छोड़कर स्वयं के द्वारा या अपने स्तर से इस प्रकार का इंस्टॉलेशन करा सकते हैं क्योंकि जैसे ही आपने कीमत दे दी और माल में की संपत्ति का अंतरण हो गया आप उस संपत्ति के स्वामित्व को प्राप्त कर लिए और आप उसके मालिक हो गए ऐसे में उसका उपयोग और उसका प्रयोग कैसे करना है यह क्रेता को तय करना होता है इस प्रकार निश्चित रूप से जब भी कोई एयर कंडीशन या एसी या वातानुकूलित संयंत्र खरीदा जाता है तो आपने उसमें देखा कि अनुसांगिक रूप से उसमें घर में लगाने जैसी स्कीम का फायदा उठाते हुए एक अनुसांगिक कार्य के रूप में एक कार्य किया जाता है लेकिन यह कार्य का सार या उद्देश्य उस यंत्र को लगाने की बजाय उस यंत्र को बेचना और कीमत के बदले संपत्ति का अंतरण होना था इसलिए ऐसी संविदाओं को हम कार्य की संविदा के रूप में देखते हैं जबकि जो दूसरा उदाहरण हमने देखा कि जिराक्स मशीन से फोटो कॉपी करना यद्यपि आज आधुनिक समय में बहुत सारी ऐसी मशीनें आ गई हैं जो इस कार्य को बहुत आसान बना देती हैं परंतु वास्तव में यह एक तकनीकी कार्य है और जो कॉमर्शियल या वाणिज्यिक स्तर पर बड़ी बड़ी जिराक्स की मशीनें होती हैं उनसे फोटो निकालना सामान्य व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस मामले में दक्ष नहीं है उसके लिए दुरह या कठिन कार्य होता है ऐसे में जब आप किसी वाणिज्यिक परिसर में जाकर के या किसी दुकान में जाकर के ऐसी मशीनों से कोई फोटो कॉपी या जिराक्स करने के लिए कहते हैं तो उसमें उस जिराक्स के साथ साथ उसमें जो कागज़ लगता है उसके भी जो खर्चा है उसका वहन आपको करना पड़ता है और उस पेपर या खर्चे के साथ साथ उसकी प्रिंट इकाई और इंक सबकी लागत को मिला करके जो खर्चा निकलता है वही प्रिंटर द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा जिसने प्रिंटिंग मशीन से ऐसी फोटोकॉपी की है वह उसके खर्चे को जोड़ते हुए आपसे वह खर्चा लेता है परंतु यहाँ ध्यान में यह रखना है कि आपने जो मूल्य चुकाया है या कीमत का अंतरण किया है वह इसलिए नहीं दिया है कि आपको एक सफ़ेद कागज पर कोई काली इंक की स्याही मिल जाए या कोई सफेद कागज मिल जाए या कोई कलर पेपर मिल जाए बल्कि आपने जो पैसा दिया वह इसलिए कि अगर आपने कोई मटेरियल वस्तु कागज या कोई ऐसा चित्र दिया है जिसकी हूबहू नकल आपको मिले तो आपके लिए तब तक वह जो सफलतापूर्वक आपको अंतरण नहीं कहा जाएगा जब तक कि आपको जो माल की आपूर्ति की गई उस पर हूबहू नकल उसकी कॉपी उसी प्रकार मिले जैसा कि आप चाहते हैं निश्चित रूप से यहां पर जो आपका सार है वह कीमत के बदले संपत्ति का अंतरण अपने तरफ लेने की बजाय कीमत के बदले उस कागज को प्राप्त करना जो हूबहू उस कागज की नकल या उस चित्र का नकल है जिसके उद्देश्य के लिए आप ऐसे जिराक्स मशीन वाले व्यक्ति के पास आए थे ऐसे में हम यहां देखते हैं कि हमारा जो सार या उद्देश्य तो होता है वो बदल जाता है यानी कि जो एयर कंडीशन खरीदने के समय हमारा जो उद्देश्य रहता है वह मात्र इतना रहता है कि कीमत का भुगतान करके माल का अंतरण विक्रेता द्वारा की तो हो जाए जबकि दूसरे परिदृश्य में आप देखते हैं कि कीमत के बदले मात्र संपत्ति का उद्देश्य ना रहकर उद्देश्य यह होता है कि उस माल पर जो आपको आपूर्ति की गई है उस पर कुछ कार्य या श्रम या कौशल लग करके आपको हूबहू नकल मिले तो इस प्रकार मात्र उद्देश्य को बदलने से कार्य की या संविदा की या जो विक्रय की संविदा है उसकी प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है तो इसी प्रकार से हम इन दोनों ही बातों में अंतर कर सकते हैं और न्यायालय ने सेंटिनल रोलर सेटिंग और इंजीनियरिंग कंपनी के बाद में इसको उत्कृष्टता के साथ परिभाषित करने की कोशिश की है वास्तव तो में यह जो बात था एक एक ऐतिहासिक मामला है जो इस बात से संबंधित था कि क्या संविदा विक्रय का गठन करती है या कार्य और श्रम के लिए कोई ऐसी संविदा है जिससे पर किसी कर अधिकारी द्वारा कर लगाया जा सकता है यदि आप इसके वाद तथ्य को देखें तो आप देखेंगे कि जो एक अपील करता जो किसी एक प्राइवेट कंपनी का इंजीनियर और ठेकेदारी के क्षेत्र में विनिर्माण के क्षेत्र में कार्यरत थी और विनिर्माण प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करती थी ऐसी मेसर सीएम एम शाह प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी ने एक सेंटिनेंटल पल और पस टाइप एंड रिडक्शन गियर रोलिंग सटर निर्माण आपूर्ति और स्थापना के लिए एक अनुबंध या करार करती है जिस करार अनुबंध के तहत जो रोलिंग सटर है उसका परिसर में लगाया जाना शामिल होता है संविदा में जो सामान्य रूप से जो टर्म एंड कंडीशन लिखित हुए थे उसमें मुद्रित नियम और विशिष्ट शर्तें प्रमुख रूप से यह थी कि 25 प्रतिशत अग्रिम भुगतान कर दिया जाएगा और जो उस कुल मूल्य का जो पैंसठ प्रतिशत भुगतान है वह माल की डिलीवरी के बाद होना है और बाकी के दस मूल्य का भुगतान निर्माण के बाद कंपनी के संतुष्टि पर करना अर्थात जब कंपनी द्वारा इस बात की संतुष्टि कर दी जाएगी कि जो रोलिंग सटर है वो प्रीमाइसिस में ठीक प्रकार से लग गया है उसके बाद ही शेष दस प्रतिशत का भुगतान होना था अपीलकर्ता ने इस संविदा को पूरा किया इस अनुबंध के अनुसार सभी कार्य किए और जैसे जैसे उसको जो निर्देश दिए गए थे उसके अनुसार रोलिंग सटर और निर्माण की प्रतिस्थापना की अपीलकर्ता ने जो संविधान के, के तहत जो भुगतान कर या देता थी उसमें विक्रय पर एक स्पष्टीकरण मांगा जो आयुक्त आयकर विभाग था और आयुक्त आय, आयकर विभाग ने ऐसी अनुबंध या संविधा के बारे में इसे विक्रय का नाम दिया और उस पर विक्रय कर का अधिरोपण किया अब मामला यहां पर आ गया कि यदि विक्रय कर का आरोपण करना है तो निश्चित रूप से यह सिद्ध होना चाहिए कि यह जो अनुबंध या करार के अंतर्गत जो कार्य किया गया है, विक्रय है यानी कि स्पष्ट रूप से यहाँ एक ही प्रश्न था कि किसी परिसर में रोलिंग शटर लगाना या जो शटर वाले गेट या दरवाजे हैं उनको लगाए जाने की जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कार्य की संविधा माने अथवा विक्रय की संविधा माने निश्चित रूप से इस प्रश्न के जवाब में जो आयकर उपायुक्त थे उसका जगह जवाब सकारात्मक रूप से विक्रय की संविदा की ओर था और विक्रय मानते हुए इसको कर के अधीन लाया गया और इस पर विक्रय कर का निर्धारण हुआ पुनः इस पर अपील करते हुए मामला जब अधिकरण की ओर गया तो विक्रय कर अधिकरण ने संविदा को एक समग्र संविदा मानते हुए आयकर उपायुक्त के निर्णय को बरकरार रखा और जो आयकर उपायुक्त का निर्णय था कि इस प्रकार की संविदाओं को हम विक्रय की संविदा मानेंगे उसी निर्णय को सारभूत निर्णय मानते हुए जो ट्रिब्यूनल या अधिकरण था अधिकरण ने भी इसे विक्रय कर को बरकरार रखते हुए विक्रय और स्थापना दोनों ही तत्वों को शामिल करते हुए यह माना कि यह निर्णय बिल्कुल ठीक है यह एक प्रकार से विक्रय की संविधा का गठन करता है और इसलिए इस पर विक्रय कर का बंद होना चाहिए अंततः यह मामला उच्च न्यायालय में गया और उच्च न्यायालय अधिकरण भी नीचे के निर्णयों से पूरी तरह सहमत था और मामला अंततः उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील के द्वारा दायर की गई अब माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने एक ही प्रश्न था कि क्या आयकर उपायुक्त माननीय उच्च न्यायालय और विक्रय कर अधिकरण द्वारा जो दिए गए निर्णय हैं, जिसमें तीनों ही फोरम द्वारा ऐसी संविदा को विक्रय की संविदा का करार माना गया है तो क्या हम इसे विक्रय की संविदा ही माने या हम इसे कार्य की संविदा या श्रम या कौशल की संविदा मान सकते हैं अर्थात न्यायालय के सामने स्पष्ट रूप से जो मुद्दा था वह सिर्फ इतना कि क्या कोई विशेष संविदा विक्रय की संविदा है या कार्य और श्रम की संविदा है संविदा की प्रकृति के संबंध में न्यायालय ने अपनी बहुत सारी टिप्पणियां की और अपने निर्णय के आलेख में जो प्रमुख रूप से तीन टिप्पणियां जो इस वाद के सारभूत तत्व थे वह तीन प्रकार की संभावनाओं का चित्रण करते थे और न्यायालय ने कहा कि तीन ऐसे संभावित रूप हैं जो समझौते के तहत हो सकते हैं सबसे पहले संविदाओं में कार्य और सामग्री दोनों शामिल हो सकते हैं जो समग्र संविदा बनाते हैं दूसरा मामले में विक्रय के बिना कार्य की संविदा अलग हो सकती है और तीसरा कुछ आकस्मिक कार्य होते हैं जिसमें माल की संविदा भी माल हो सकती है इस प्रकार जो न्यायालय ने टिप्पणी की न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में निर्णय के आलेख में तीन कल्पनाएं या तीन कल्पनाओं का चित्रण किया और न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब भी किसी संविदा के संबंध में उसकी जो प्रकृति है या उसका जो संव्यवहार है उसको आप देखेंगे तो तीन तरीके या तीन संभावनाएं दिखती हुई प्रतीत होती हैं पहला प्रकृति ऐसा भी हो सकता है कि किसी संविदा में कुछ कार्य भी किया गया हो और कार्य के साथ साथ माल की आपूर्ति भी की गई हो और जो संविदा का अंत हो वह संविदा का अंत होने के लिए दोनों ही तत्व विद्यमान हो अर्थात जब तक माल की आपूर्ति ना की जाए और कार्य ना किया जाए तब तक वह संविदा का गठन नहीं हो सकते अर्थात पहले परिदृश्य में एक समग्र संविदा बनाने के लिए संविदा में कार्य और सामग्री दोनों ही आपूर्ति शामिल हो दूसरा ऐसा परिदृश्य उत्पन्न हो सकता हो कि जहां विक्रय की संविधा अलग हो कार्य की संविधा अलग हो अर्थात आवश्यक नहीं है कि संविधा के परिणाम को पाने के लिए हम माल की आपूर्ति और कार्य दोनों ही करें बल्कि यह हो सकता है कि दोनों को हम अलग अलग विभेदीकरण भी कर सकते हैं और एक तीसरा परिदृश्य होता है कि आकस्मिक रूप से किसी कार्य को माल के साथ या किसी माल की आपूर्ति के साथ कोई कार्य किया जाए अब न्यायालय ने इन तीनों ही परिदृश्य का चित्रण करते हुए कहा कि मान लीजिए कि जहां पर हम पहले परिदृश्य की बात करते हैं जिसमें यदि मामला या वाद विभाज्य है तब तो ऐसे में जो दो प्रकार के वर्गीकरण हैं, वह जटिलता देखने को मिलेगा जैसे जो वर्तमान में हम जिस वाद की बात कर रहे हैं जिस संविदा में रोलर शटर का निर्माण करना है उस रोलर शटर की आपूर्ति करना है रोलर सटर का निर्माण और स्थापना तीनों ही शामिल है न्यायालय ने कहा कि संविदा मूल्य निर्धारण में द्विभाजन को पहचाने बिना आपूर्ति निर्माण और स्थापना को एकत्रीकृत किया जाता है न्यायालय ने स्पष्ट करते हुए कहा कि जो रोलिंग सटर होता है या लोहे के जो सटर वाले दरवाजे होते हैं वह एक पूर्ण इकाई नहीं होती है बल्कि यह एक व्यापारिक परिकल्पना और व्यापारिक विधि है कि यह रोलिंग सटर लोहे के बड़े बड़े आलेखों या राडों से या सटर से मिलकर बनती है और सामान्य रूप से पहले लोहे की खरीदारी होती है और ऐसे लोहे को विभिन्न प्रकार या साइज या आवश्यकता के अनुसार उनकी ग्रिलिंग की जाती है उनकी कटाई की जाती है उनके अलग अलग कंपोनेंट या घटक बनाए जाते हैं और इनको अलग अलग एक साइट पर या विनिर्माण स्थल पर या जहां पर ऐसे संयंत्र की स्थापना करना है वहां हमें उसे लगाना होता है इस प्रकार जो संविदाएं होती हैं इसका निष्पादन रोलिंग सटर के निर्माण और स्थापन पर निर्भर करता है अर्थात यहाँ पर माल की जो आपूर्ति होती है वह मात्र माल की आपूर्ति कीमत के बदले ना होकर के कीमत के बदले ऐसे माल की आपूर्ति होती है जिसका प्रयोग विभिन्न घटकों के रूप में करके उसको एक अंत में एक परिणाम के रूप में शामिल करना और रोलिंग सटर का बनाया जाना बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार पहले विभिन्न घटक को आपूर्ति करके उनको एक साथ लाकर उनकी स्थापना किया जाना यानी कि इसमें दोनों ही घटक शामिल हैं यहाँ पर माल की आपूर्ति कीमत के बदले की गई जो सामान्य रूप से विक्रय की संविधा का परिणाम हो सकती है और दूसरा निर्माण स्थल पर उन घटकों को लगाना उस पर कार्य करना जिससे अंतिम परिणाम के फलस्वरूप हमें रोलिंग शटर प्राप्त हो तो हम यहाँ देखेंगे कि जो क्रेता की आवश्यकता है वह विभिन्न घटक प्राप्त करना या लोहे की खरीदारी करना नहीं है बल्कि जो क्रेता का प्रमुख उद्देश्य है कि रोलिंग सटर का बनाया जाना ऐसे में क्रेता के उद्देश्य के लिए जब तक आपूर्ति किए गए माल या रोलिंग सटर के कंपोनेंट या घटकों को एक साथ इकट्ठा करके रोलिंग सटर के रूप में स्थापना नहीं किया जाएगा क्रेता की आवश्यकता या उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा ऐसे में इस प्रकार की संविधाओं को कार्य की संविधा कही जाएगी या किया जा सकता है कुछ और उदाहरणों से हमें इसे देखने की कोशिश करनी चाहिए एक सामान्य उदाहरण है जैसे फोटो स्टूडियो में फोटो खिंचवाना सामान्य रूप से जब कोई व्यक्ति फोटो स्टूडियो में फोटो खिंचाता है तो ऐसे में प्रश्न आता है कि उस फोटो खिंचवाने के बदले उसने कुछ ना कुछ कीमत अदायगी की है और उस कीमत के बदले उसे कुछ चित्र प्राप्त हुआ है जब फोटो प्राप्त हुई है जो उसकी स्वयं की है ऐसे में इस प्रकार कीमत के बदले चित्र की आपूर्ति जो फोटो बनाने वाले व्यक्ति द्वारा की गई है इस संविदा को हम क्या विक्रय की संविदा माने या कार्य की संविदा माने अभी अभी हमने शुरुआती दौर में देखा कि एक उदाहरण जो रॉबिन्सन बनाम ग्रेव का मामला था उसमें हमने एक चित्रकार का उदाहरण लिया था यानी यह तो निश्चित रूप से तथ्य तय है कि जब भी किसी चित्रकार द्वारा कोई चित्रकारी की जाती है और उसके बदले किसी कीमत का अंतरण किया जाता है तो वह जो मूल्य का भुगतान किया जाता है वह उस कलाकार या चित्रकार के श्रम या कौशल के प्रयोग के लिए किया जाता है अब हम बात कर रहे हैं किसी फोटो स्टूडियो में फोटो खिंचवाने की तो क्या हम फोटो स्टूडियो में जो किसी व्यक्ति द्वारा फोटो खींचा जाता है ऐसे किसी प्रोफेशनल और एक चित्रकार जिसके द्वारा अपने श्रम या कौशल का प्रयोग करके चित्र बनाया जा सकता है दोनों को हम एक ही साथ एक स्थान पर रखकर देख सकते हैं इस मामले में न्यायालय के बहुत सारे निर्णय आए विशेष रूप से एम घोष बनाम बिहार राज्य के मामले में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो फोटो स्टूडियो में फोटो बनाने वाले या फोटो खींचने वाले लोग हैं इनकी जो स्थिति होती है चित्रकारों से बिल्कुल भिन्न होती है ये लोग व्यापारिक उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं और इनका उद्देश्य कीमत के बदले फोटो की आपूर्ति करना होता है अर्थात ये ऐसे लोग होते हैं जो बाजारों में अपने दुकान को स्थापित करते हैं एक प्रोफेशनल या एक जो भाग के रूप में एक दुकान के रूप में या एक व्यापारिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक वाणिज्यिक संस्थान में या किसी दुकान में बैठ करके ऐसे ग्राहकों की तलाश करते हैं जो स्वयं उनके पास आते हैं और उनके द्वारा किसी विशेष प्रकार की चित्र या किसी चित्र को मांगने के लिए उसके बदले में कीमत का अंतरण करने या भुगतान करने के लिए प्रस्तावना की जाती है इनकी स्थिति वह बिल्कुल नहीं हो सकती जो किसी चित्रकार की होती है क्योंकि चित्रकार को चित्र देने के लिए कीमत का अंतरण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उस चित्र को अपने श्रम या कौशल से नहीं बनाया गया हो लेकिन जो फोटो खींचने वाले या फोटो बनाने वाले लोग हैं स्टूडियो में बैठे प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं उनकी स्थिति ऐसी है कि वो मात्र वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए इस प्रकार का कार्य करते हैं कि कीमत का अंतर हो तो उसके बदले वो फोटो की आपूर्ति कर देंगे यानी कि इस प्रकार के सम में फोटो की अंततः सप्लाई या आपूर्ति करना और उसके बदले तुरंत कीमत मिल जाना जिस पर उनपे किसी कला या कौशल का प्रयोग नहीं किया जाता ऐसा एम हाउस बनाम बिहार के राज्य में न्यायालय का मानना था मामला फिर कई उच्च न्यायालयों में यह आता है विशेष रूप से महाराष्ट्र हाईकोर्ट में कैमरा हाउस मुंबई बनाम महाराष्ट्र राज्य में इस मामले में थोड़ी और पैनी और बारीकी के साथ निर्णय को रखा गया जिसमें कहा गया कि कला और कौशल भी प्रयोग एक फोटोग्राफी में एक फोटो खींचने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है बिहार राज्य का जो निर्णय था जिसमें स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया कि एक चित्रकार को एक फोटो खींचने वाले व्यक्ति या प्रोफेशनल फोटोग्राफर के समतुल्य नहीं रख सकते हो सकता है कुछ मामले तक उनकी स्थितियां बिल्कुल अलग हों और उन्हें एक साथ ना रखा जाए लेकिन महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया परंतु यह कह देना कि अंतर यहां तक होता है कि चित्रकार द्वारा श्रम एवं कौशल का प्रयोग होता है लेकिन जो फोटो खींचने वाले फोटोग्राफर या कैमरामैन हैं, उनके द्वारा कोई श्रम या कौशल का प्रयोग नहीं होता है यह संतोषप्रद या अच्छा तर्क नहीं सिद्ध हो सकता क्योंकि जब भी कोई निवेदन किया जाता है कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उस प्रस्ताव और निवेदन के अनुसार ही वह चित्रकार या फोटोग्राफर कोई कार्य करता है और जो मूल्य या जो पैसे या कीमत का अंतरण क्रेता द्वारा विक्रेता को किया जाता है अर्थात उस क्रेता द्वारा उस फोटोग्राफर को या चलचित्र निर्माणकर्ता को किया जाता है वह तब तक नहीं किया जाता तब तक कि उसका उद्देश्य सफल ना हो यानी कि जिस प्रकार की उसे फोटोग्राफी या जिस प्रकार की वीडियोग्राफी चाहिए उस प्रकार की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मिलने के बाद ही संतोषप्रद रूप से विक्रेता को क्रेता द्वारा कीमत का अंतरण होता है तो निश्चित रूप से यह चित्रकारों से भिन्न तो हो सकते हैं लेकिन यह कहा जाना कि इनके द्वारा कला और कौशल का प्रयोग नहीं हो सकता यह एक अच्छा तर्क नहीं होगा और इस प्रकार कैमरा हाउस मुंबई बना महाराष्ट्र के राज्य में बिहार उच्च न्यायालय से बिल्कुल अलग यह माना गया कि यह भी एक प्रकार की कार्य की संविदा है परंतु यह मामला यही नहीं रुका और विभिन्न हाई कोर्ट से निकलते हुए जहां पर दो विभिन्न प्रकार के तर्क आ रहे थे कुछ उच्च न्यायालयों का मानना था कि यह विक्रय की संविधा ही है जबकि कुछ न्यायालय इस प्रकार से सहमत थे कि इन्हें विक्रय की संविधा मानी जाए अंततः मामला सर्वोच्च न्यायालय में आता है और बिक्री कर अधिकारी बनाम बी कामे के बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फोटोग्राफ लेना एक प्रक्रिया होती है और इसे एक प्रक्रिया से गुजरना होता है जिसमें कला और कौशल दोनों का ही प्रयोग होता है जब भी कोई फोटोग्राफी करने वाला व्यक्ति फोटो बनाता है तो मात्र वह कोई ऐसी मशीन या या युक्ति जुगाड़ नहीं रखता कि किसी व्यक्ति की फोटो खींचा और फोटो निकाल करके दे दिया फोटो खींचने से फोटो की अंततः सप्लाई या आपूर्ति करने तक एक बड़ी प्रक्रिया शामिल होती है उन प्रक्रियाओं में फोटो खींचने का तरीका एक सामान्य व्यक्ति द्वारा खींची जाने वाली फोटो और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर द्वारा खींची जाने वाली फोटो में अंतर होता है और यह अंतर आता कहाँ से है यह अंतर आता है उस फोटोग्राफर की दक्षता उसकी कुशलता और उसके श्रम के द्वारा और उसके बाद वह फोटोग्राफ सीधा फोटो खींचने के बाद अंतर रूप में नहीं मिल जाता उस फोटोग्राफ को बनाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की प्रक्रियाएं जैसे डार्क रूम में ले जाकर के फोटो के निगेटिव को डेवलप करना कुछ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उसके निगेटिव को फोटो से फोटो बनाना और अंततः उस फोटो को किस प्रकार किस आकार और किस साइज में डालना है या किस साइज में निकालना है या आपूर्ति करना है जैसा कि क्रेता द्वारा अपेक्षा की गई है उसके बाद उस फोटो को आपूर्ति देना तो इस प्रकार सामान्य रूप से भले ही हमें देखने के में लगता है कि कीमत दी गई कीमत के अंतरण के फलस्वरूप माल के रूप में फोटो को सप्लाई कर दिया गया ये बड़ा ही वेग या बड़ा ही आसान है लेकिन वास्तव में इसके पीछे एक पूरी की पूरी प्रक्रिया काम करती है और इस प्रक्रिया को निष्पादित करने का कार्य वह फोटोग्राफ लेने वाला फोटोग्राफर ही करता है यह उसकी दक्षता श्रम और कौशल का है इसलिए विक्री कर अधिकारी बनाम भी कामे के बाद के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट हो गया कि जब भी कोई कार्य किया जाए उस व्यक्ति के अनुसार जैसा क्रेता चाहता है प्रेता के उद्देश्य की, की पूर्ति के लिए उसकी इच्छा और उद्देश्य के अनुसार माल की सप्लाई करने से पहले उस पर जब कोई कार्य श्रम या कौशल का प्रयोग होगा तो निश्चित रूप से वह कार्य की संविदा होगी ना कि विक्रय की संविधा अब इस प्रकार हमने देखा कार्य की संविधा क्या है और विक्रय की संविधा क्या है तो अब कार्य की संविधा और विक्रय की संविधा की हम भेद को और स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करते हैं कब हम एक संविधा को कार्य की संविधा मानेंगे और कब हम एक संविदा को विक्रय की संविधा मानेंगे इसके अंतर को बहुत अलग अलग तथ्यों के साथ हम स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं और हमको इसको समझना चाहिए जैसे अगर आप संविधाओं के विभिन्न रूपों में देखेंगे तो आपको उद्देश्य परक सिद्धांत की ओर जाना होगा और जब आप देखेंगे कि संविदा का मुख्य उद्देश्य कीमत के बदले संपत्ति का अंतरण करना है हाँ ऐसा हो सकता है कि जो संपत्ति है उस पर कुछ कार्य भी किया गया हो लेकिन अगर किया गया कार्य मात्र आनुषांगिक है और उद्देश्य सारभूत रूप से कीमत के बदले संपत्ति का अंतरण है तो ऐसी संविधाएं निश्चित रूप से विक्रय की संविधा कहलाएंगी जबकि जब संविधा का उद्देश्य स्थानांतरित की जाने वाली संपत्ति पर कुछ कार्य करना है भले ही उसमें कीमत के बदले कुछ वस्तु की आपूर्ति हुई हो तो ऐसे में उद्देश्य परक सिद्धांत को देखते हुए पुनः हम कहेंगे कि संपत्ति की आपूर्ति तब तक संभव नहीं थी जब तक कि उस पर कुछ कार्य किया गया ऐसे में कीमत के बदले जिस वस्तु का अंतरण हुआ है वह वा वास्तव में किसी श्रम या कौशल या कार्य का परिणाम है तो ऐसी संविधाएं कार्य की संविधा होंगी यानी कार्य की संविधा और विक्रय की संविधा के बीच अंतर को निकालने का जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है वह होता है उद्देश्य परक सिद्धांत और उस उद्देश्य परक सिद्धांत के परिणाम स्वरूप हम यह देख सकते हैं कि कोई संविधा कब विक्रय की संविधा हो रही है और कब कोई संविदा कार्य की संविधा हो रही है इसके उदाहरणों को हमने विभिन्न उदाहरणों के साथ देखा जैसे एक चित्रकार द्वारा चित्र बनाते समय चित्र बनाने के साथ साथ स्टेशनरी कलर ब्रश रंग और कागज की सप्लाई करना इस प्रकार माल की आपूर्ति किया जाना यहां अनुसांगिक कार्य है और उसका उद्देश्य चित्र को बनाना चित्रकार के श्रम या कौशल के परिणाम को देखना इसलिए यह संविदा विक्रय की संविदा ना होकर के कार्य की संविदा होगी इसका एक और परीक्षण है एक परीक्षण यह कहता है कि क्या आपूर्ति के बाद जो क्रेता को जो वस्तुएं विक्रेता के रूप में विक्रेता से मिलती हैं उसमें आपूर्ति के पहले उसी अस्तित्व के रूप में उसकी पहचान संभव थी अर्थात किसी वस्तु की पहचान हम इस रूप में करें कि जब संविदा की गई तो संविदा करने के पूर्व या संविदा करने के समय उस वस्तु का अस्तित्व किस प्रकार का था और संविदा के निष्पादन के बाद उस वस्तु के अस्तित्व में क्या कोई परिवर्तन हुआ यानी कि आपूर्ति में जो वस्तु कीमत के बदले मिलती है संविदा में आपूर्ति के पहले उसके अस्तित्व की पहचान और संविदा में आपूर्ति के बाद उसके अस्तित्व पहचान यदि उसके अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है जिस रूप में या जिस अस्तित्व में वस्तु थी कीमत के बदले माल का अंतरण उसी वस्तु को उसी अस्तित्व के रूप में अगर कर दिया गया तो निश्चित रूप से यह चैटल वर्सेस चैटल अर्थात कि संपत्ति का अंतरण माल के या कीमत के बदले माल के अंतरण के रूप में कर देना था तो यह विक्रय की संविधा होगी लेकिन यदि उसकी पहचान बिल्कुल अलग थी या उस प्रकार की नहीं थी या उस अस्तित्व की नहीं थी जो संविदा के पहले थी अर्थात आपूर्ति के बाद जो वस्तु मिलती है उसकी पहचान या अस्तित्व आपूर्ति के पहले के अस्तित्व से अलग है तो इसका मतलब है निश्चित रूप से उस वस्तु की आपूर्ति के पहले उस पर किसी प्रकार का श्रम कार्य या कौशल किया गया और जब श्रम कार्य कौशल किया जाएगा तो ऐसी संविदाओं को हम विक्रय की संविधा मा मानते हुए कार्य की संविदा मानेंगे इसके और उदाहरण के तौर पर जब हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के न्यायिक निर्णय आए हैं बेंजामिन ने अपनी पुस्तक में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण लिखे हैं जैसे फोटो खींचना रास्ते में कुछ वस्तुओं को देना मिंक जैकेट बनाना रेलवे के कोच की सप्लाई करना इस प्रकार की जितनी भी आपूर्तिकारक संविधाएं है जहां माल के बदले संपत्ति का अंतरण या आपूर्ति कर दी जाती है इस प्रकार के संविधाओं को हम विक्रय की संविधा कहते हैं लेकिन जबकि संविदा में बताए गए तौर तरीके ढंग या किसी निश्चित उद्देश्य के लिए कोई कार्य किया जाता है और आपूर्ति करने के पहले उस पर क्रेता के निर्देशानुसार कुछ कार्य किया जाता है जैसे घरों में खिड़कियां लगाना यह दो प्रकार से होता है सामान्य रूप से बाजार में आने वाली रेडीमेड स्टैंडर्ड माप की खिड़कियों को ला करके उसका लगा दिया जाना अथवा घर में किसी विशेष प्रकार की खिड़की को लगाने के लिए उसकी डिजाइन तय करना उसकी नाप जोख करना उसके लिए फ्रेम तैयार करना खांचा बनाना यानी कि निर्देश और आवश्यकता के अनुसार जब एक कारपेंटर द्वारा खिड़की लगाई गई तब जो कार्य हुआ या कार्य की संविदा हुई क्योंकि इसमें श्रम और कौशल विद्यमान था इसको मात्र विक्रय की संविदा हम नहीं कह सकते इस प्रकार जो संविदा में बताए गए नाप डिज़ाइन ड्राइंग और निर्देश के अनुसार खिड़कियां फिट करना किसी इमारत में मशीन की आपूर्ति करना कोई नई ब्रेकलाइन लगाना या ऐसा कोई भी कार्य करना जिसको किए बिना माल की आपूर्ति उस रूप में संभव नहीं थी जैसा उद्देश्य के लिए क्रेता को चाहिए तो इस प्रकार की संविधाओं को हम बिक्री के संविधा में ना रखकर कार्य की संविधा के अंतर्गत रखते हैं इस प्रकार वास्तव में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यह वास्तव में एक जांच और परिस्थितिजनक प्रश्न है कि कोई जो संव्यवहार क्रेता और विक्रेता के बीच में पड़ रहा है या आ रहा है ऐसा संव्यवहार विक्रय की संविधा का संव्यवहार है या कार्य की संविधा का संव्यवहार बल्कि यह प्रश्न प्रत्येक वाद एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा इसका उत्तर हमें जानने के लिए मात्र उद्देश्य परक सिद्धांत का सहारा लेना पड़ेगा या उन परीक्षणों को देखना पड़ेगा जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने की और इन परीक्षणों द्वारा हम कार्य की संविधा और विक्रय की संविधा के मध्य भेद को या अंतर को पहचान सकते हैं इस प्रकार एक विक्रय की संविदा और कार्य की संविदा में क्या अंतर है हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जो विक्रय की, की संविदा है और कार्य की संविदा वास्तव में दोनों अलग अलग संविदाएं होकर के फिर भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग और विभिन्न किस्म की संविदाएं बनाती है इसी प्रकार जब हम विक्रय की बात करते हैं तो विक्रय की संविदा में धारा चार की उपधारा एक में हमने पढ़ा है कि विक्रय की संविदा के अंतर्गत विक्रय के करार भी आते हैं तो कभी कभी हमें कुछ ऐसे करार देखने को मिलते हैं जो विक्रय के करार होते हैं लेकिन कुछ ऐसे करार होते हैं जो विक्रय के करार के सदृश होते हैं यानी कि ऐसे करार जो देखने में विक्रय के करार के जैसे लगते हैं लेकिन वह विक्रय के करार होते नहीं है ऐसे करारों में जो प्रमुख करार है उनमें से एक करार अवकय करार के रूप में देखा जाता है या किराया खरीद समझौते के रूप में उनको हम कह सकते हैं एक प्रकार के इस प्रकार के समझौते मालिक या किसी वस्तु का मालिक किसी व्यक्ति या किरायेदार को किस्तों का भुगतान करके एक विशिष्ट अवधि के लिए उसे सामान किराए पर देने की अनुमति देता है यानी किराएदार के पास अनुबंध के अंत में सामान को खरीदने का विकल्प भी प्राप्त होता है यदि किस्तों का भुगतान कर दिया जाता है तो किस्तों का भुगतान करने के बाद उस किराएदार के पास एक विकल्प का दिया जाना कि आखिरी किस्त के बाद वह उस माल को खरीद भी रख सकता है ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि क्या हम ऐसी संविदाओं को विक्रय की संविदा माने या विक्रय का करार माने अथवा नहीं वस्तु में किराया खरीद समझौते या अवक्रय करार से तात्पर्य किसी वस्तु में मालिक और उसके किराए पर लेने वाले करार की यानी ऐसी व्यवस्था है जिसमें माल किराए पर लेने वाला व्यक्ति अस्थायी रूप से मौद्रिक किस्तों के बदले खरीदा जाता है और सभी किस्तों का भुगतान कर देने पर उसे उस माल के मालिक बनने का अवसर भी हो जाता है यानी जो औक्रय करार है उसको और ढंग से परिभाषित करने के लिए का जो विधि आयोग है विधि आयोग ने अपनी आठवीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि जो अवक्रय सिद्धांत है इसके विनियमन के लिए हम एक अलग अधिनियम बनाए और इसी के तहत तो उन्नीस में औक्रय करार अधिनियम बनाया गया औक्रय करार अधिनियम की धारा टू सी में इसको परिभाषित किया गया यद्यप कि आज तक यह नोटिफाई नहीं हुआ है और वर्तमान में यह एग्जिस्ट या अपने स्वरूप में नहीं है लेकिन किराए खरीद अधिनियम उन्नीस की धारा टू सी को अगर देखें तो आकरे करार को परिभाषित करते हुए कहा गया कि एक ऐसा करार या समझौता है जिसके तहत समान किराए पर तो दिया जाता है लेकिन किराए पर लेने वाले के पास समझौतों की शर्तों के अनुसार उसे उसे खरीदने का विकल्प भी प्राप्त होता है यानी इसके तहत तीन बातें हैं जो इसके निर्माण में सहायक होती हैं सबसे पहले माल का कब्जा यानी माल का कब्जा उसके मालिक द्वारा एक व्यक्ति को इस शर्त पर दिया जाता है कि ऐसा व्यक्ति समय समय पर किस्तों में सहमत राशि का भुगतान करेगा दूसरा माल में संपत्ति अंतिम किस्तों के भुगतान पर ऐसे व्यक्ति को दी जानी है और तीसरा ऐसे व्यक्ति को संपत्ति के पारित होने से पहले किसी भी समय समझौते को समाप्त करने का अधिकार है यानी जो अवक्रय करार है औक्रय करार इस प्रकार के समझौतों के प्रकार हैं जिसके तहत किराए पर लेने वाला जो सामान है या वस्तु है वह प्रथमतः जमानत पर लिया जाता है जिसे वह या तो खरीद सकता है या अपने विकल्प कर समझौते के तहत समाप्त कर सकता है तो औक्रय करार के आवश्यक तत्व तो में हमें पांच आवश्यक तत्व तो देखने को मिलते हैं सबसे पहले औक्रय करार में एक उपनिधान का तत्व शामिल तो होता है दूसरा अवक्रेता को दो दो माल का कब्जा दिया जाता है ना कि उसके स्वामित्व का अंतरण होता है तीसरा करार में माल वापस करके अगली किस्त का भुगतान किया जाना चाहिए यानी किस्त का भुगतान ना और ना किया जाए तो दायित्व की समाप्ति होने का चांस रहता है और चौथा यदि ओकरेता पूरी कीमत को दिए बिना माल का विक्रय किसी तीसरे व्यक्ति को या पर व्यक्ति को कर देता है तो मालिक ऐसे पर व्यक्ति से अपने माल का कब्जा वापस ले सकता है और अक्रेता के पास अंत में यह विकल्प रहता है कि चाहे भाड़े या किस्त की समस्त भुगतान करके या समस्त किस्तों को भुगतान करके उसे संविदा में परिवर्तित कर दे यानी कि जब पूरी किस्त का भुगतान जब तक नहीं करेगा तब तक वह उस माल का स्वामी नहीं होता है इसको विभिन्न न्यायालयों ने उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया जैसे एक बहुत प्रमुख मामला ली मनाम बटलर का था जिसमें एक स्त्री ने कुछ फर्नीचर भाड़े पर लिया और इसमें जो फर्नीचर थी फर्नीचर की जो राशि थी किस्तों के रूप में दी जानी थी और यदि किसी भी किस्त का भुगतान नहीं होता है तो उसे फर्नीचर को वापस प्राप्त करने का अधिकार था और दूसरी किस्त देने के पूर्व स्त्री ने प्रतिवादी के हाथ विक्रय किया और यह निर्धारण हुआ कि प्रतिवादी को माल का स्वामित्व तो मिल गया स्त्री ने फर्नीचर भाटक क्रय पर प्राप्त नहीं किया था क्योंकि उसे माल वापस करने का कोई अधिकार नहीं था जो भाटक क्रय का आवश्यक तत्व है यानी कि भाटक क्रय के लिए दो तत्व आवश्यक होने चाहिए एक तो माल कब्जे में रखना किस्त का भुगतान करना और किस्त के अदायगी के पहले उसे वापस करने का दायित्व और दो दूसरा आवश्यक तत्व है उसके पास यह अधिकार होना कि वह माल को अंतिम किस्त के भुगतान के बाद खरीद भी सकती है टाटा इंजीनियरिंग बनाम लोकोमोटिव कंपनी बनाम बिहार के बाद में मुंबई उच्च न्यायालय ने इसके आवश्यक तत्वों का उल्लेख करते हुए कहा कि करार करार में स्वामी माल को करार की शर्तों या अनुबंध के अधीन किराए पर देता है और भाड़ेदार के क्रय का प्रश्न तब उठता है जबकि उसके द्वारा समस्त किस्तों का भुगतान कर दिया हो और अवक्रेता भुगतान के लिए दायित्व तो नहीं होता जबकि अवक्रय की प्रकृति में दो पहलू होते हैं प्रथम कि माल का उपनिधान और दूसरा किस्तों का भुगतान और इसमें एक महत्वपूर्ण बात हेल्वे नाम मैथ्यूस का है जहां एक पियानो का विक्रय किराए पर देने के लिए इस शर्त पर हुआ कि किराए पर लेने वाला व्यक्ति 36 मासिक किस्तों में किराए चुकाएगा और समझौते में यह प्रावधान किया गया कि यदि किराए पर लेने वाला समय पर मासिक किस्त का भुगतान करता है तो उसकी एकमात्र वह संपत्ति बन जाएगी कुछ ही किस्तों का भुगतान किया गया था लेकिन अग्रिम राशि को पाने के लिए उसे मैथ्यूस को यानी तीसरे व्यक्ति को उस पियानो को गिरवी रख दिया गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यह माना कि समझौते के वास्तविक निर्माण पर किराए पर लेने पर उसे खरीदने की कोई बाध्यता नहीं थी लेकिन यह तो उसे वापस पाने या पियानो को भुगतान करके उसका मालिक बनने का विकल्प प्राप्त था इस प्रकार अक्रय करार में दो तत्व देखने को मिलते हैं पहला उपनिधान और दूसरा विक्रय जब उपनिधान के साथ साथ विक्रय का भी तत्व तो शामिल होता है तो ऐसे करार को हम औक्रय करार कहेंगे उदाहरण के लिए मान लीजिए गीता ने सीमा से एक स्कूटर किराए पर लिया और उसे यह विकल्प है कि वह पूरी धनराशि की किस्त चुका दे और स्कूटर उसकी हो जाएगी परंतु वह चाहे तो किस्त को बीच में चुकता करने के बजाय संविदा को खत्म करके स्कूटर वापस कर दे तो इस प्रकार के करार को हम औक्रय करार की श्रेणी में रखते हैं इस प्रकार विक्रय और अक्रय करार के बीच में अंतर को हम देखेंगे तो स्पष्ट रूप से विभिन्न अंतरों में जो प्रमुख अंतर हमको देखने को मिलते हैं वह यह कि विक्रय की दशा में जो क्रेता है उसे माल का स्वामित्व हो जाता है और माल का कब्जा देना आवश्यक नहीं होता है लेकिन जो अक्रय करार है उसमें माल के स्वामित्व तो का अंतरण नहीं होता इसी तरह जो विक्रय है विक्रय में जो कीमत के संदाय में किस्तों के उपबंध भी हो सकते हैं लेकिन औक्रय करार में कीमत की किस्तों का उपबंध रहता है और संदाय में किस्त के त्रुटि में विक्रेता माल को वापस कर सकता है और विक्रय में क्रेता माल का स्वामी होता है जबकि करार में वह माल का स्वामी तब तक नहीं होता जब तक कि उसने अंतिम किस्त के भुगतान करने के बाद इस विकल्प को चुन न लिया हो विक्रय में विक्रय कर लगता है जबकि अक्रय कर में किसी भी प्रकार का विक्रय कर नहीं लगाया जा सकता दामोदर घाटी बनाम बिहार राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस अंतर को और बारीकी से बताते हुए कहा कि हमें इसमें दो प्रश्नों को ध्यान देना पड़ेगा कि क्या किराए लेने वाले सामान पर खरीदने का कोई बाध्यकारी दायित्व तो है अर्थात अगर बाध्यकारी दायित्व तो है तो वह अवक्रय के विक्रय होगा और दूसरा क्या अनुबंध के अस्तित्व के दौरान किसी भी समय माल को वापस करने का किराएदार के पास अधिकार सुरक्षित है यानी अगर ऐसा तत्व देखने को मिलता है तो हम ये मान लेंगे कि यह अक्रय करार है उच्चतम न्यायालय ने पुनः के एल जौहरी बनाम कंपनी डिप्टी कॉमर्शियल टैक्स के ऑफिसर के बाद में यह कहा कि विक्रय का तत्व एक ऐसा तत्व होता है जिसमें कीमत के बदले माल में की संपत्ति का अंतरण होता है और कीमत की अदायगी तुरंत या किस्तों में कर दी जाती है इस प्रकार एक और महत्वपूर्ण तथ्य ईएमआई या क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान होता है तो किराया खरीद समझे और क्रेडिट कार्ड या किस्त की बिक्री के बीच में अगर हमें अंतर को समझना है तो हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो औक्रय करार है इसमें खरीदारी के पास खरीदारी होने के पहले किसी भी समय सामान वापस करने का विकल्प प्राप्त होता है लेकिन ई या क्रेडिट कार्ड के जरिए जब किस्त में हम भाग लेते हैं तो उसमें माल को वापस या रिटर्न करने का कोई विकल्प प्राप्त नहीं होता और एक बार जब सामान दे दिया जाता है तो उसके स्वामित्व और कब्जा दोनों ही अंतरण हो जाते हैं इस प्रकार आज के इस सेशन में हमने यह देखा कि संविदा क्या होती है कार्य की संविदा और विक्रय की संविदा में अवक्रय की संविदा से इसका क्या अंतर होता है यानी एक विक्रय की संविदा किसी कार्य की संविदा और किसी अवक्रय करार से किस प्रकार भिन्न होती है इसकी आवश्यक तत्व क्या होते हैं इसकी औपचारिकताएं क्या होती हैं और विक्रय की संविदा को कार्य की संविदा से किस प्रकार अलग रख सकते हैं और उसी प्रकार एक विक्रय करार को एक अवक्रय करार से किस प्रकार अलग रखते हैं इस प्रकार इस सेशन में हमने इन चीज़ों को समझा धन्यवाद